हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे या फिर रिमूव कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है pickwiz.com और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे और भी टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो इनहेंस कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं AI आर्ट जनरेट कर सकते हैं, JPG कन्वर्टर हो गया, इमेज टू टेक्स्ट हो गया, आपके पास कोई भी इमेज है उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स एक बार आप चेक कर देना, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, pickwiz.com करके इसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देंगे। आपके पास जो भी इमेज है उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए, जिसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है या चेंज करना है। मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, ये जो प्रोसेसिंग चल रहा है 5 से 10 सेकंड यहाँ पे लेता है, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे एडिट पे आपको जाना है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंज करने का यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे इमेज कैसे आप लगाएंगे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे आपको जाना है इमेजेस पे और यहाँ से कोई भी अच्छा सा आपके पास जो भी इमेज है उसको आपको अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास ये वाला इमेज है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप इमेज को लगा सकते हैं और बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप अगर बैकग्राउंड का कलर कोई ऐसा रखना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। जैसे कि ये वाला कलर मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो ये मैं रख देता हूँ। अब बात करते हैं डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहां से आप इस तरह की इमेज का जब बैकग्राउंड रिमूव करते हैं उसके बाद जब डाउनलोड करते हैं तो क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी अच्छी आपको नहीं मिलती। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है मैंने डाउनलोड कर ली है और काफी अच्छी तरीके से इसने बैकग्राउंड रिमूव भी कर दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इस वेबसाइट से आप बहुत सारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के साथ ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देता है और इमेज की क्वालिटी भी मेंटेन रखता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप किसी भी इमेज का अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, इसको एक बार आप ट्राई कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आपको मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।